हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है वंदिता त्रिपाठी। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड वर्किंग एज अ सीएस मैनेजमेंट ट्रेनी इन अ लिस्टेड कंपनी बेस्ड इन गुड़गांव। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी होल सीएस फ्रेटर्निटी जानती है कि आईसीएसआई एग्जाम में एग्जाम दो बार कंडक्ट कराता है साल में, एक तो जून में और दूसरा दिसंबर में। तो दिसंबर एग्जाम्स आर कमिंग, लास्ट वन मंथ के अप्रॉक्स का टाइम बचा हुआ है हमारे पास, और आई कैन टोटली रिलेट विद यू ऑल कि कितने गूजबम्स आते हैं इस टाइम पे और कितनी दिल में ऐसे धक 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 होती रहती है कि कब एग्जाम आएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि यार कैसे करें, क्या करें। तो उसी के छोटी मोटी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो आई ट्राइड कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें इस टाइम पे सबसे बेसिक होती हैं, जो हमारे माइंड में चलती हैं, उसको आज कवर किया जाए बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं, सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहला जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है लास्ट वन मंथ में हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना लास्ट वन मंथ में बहुत दिक्कत आती है, उनको यही नहीं समझ आता है कि लास्ट वन मंथ में हमें क्या करना चाहिए। बाकी 6-7 महीने तो हमें कोर्स कंप्लीशन में लग जाते हैं, 1-2 महीना हम फर्स्ट और सेकंड रिवीजन करते हैं, लेकिन लास्ट वन मंथ इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट वन मंथ का लास्ट रिवीजन ही आपका डिसाइड करता है कि एग्जाम में यू आर गोइंग टू फेल और यू आर गोइंग टू पास। तो विनर्स जितने भी हैं या फिर आप जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, उनसे आप यही सुनेंगे कि लास्ट वन मंथ में सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी होती है वो है आपके मल्टीपल रिविजन्स। जितने ज़्यादा आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे लास्ट के वन मंथ में, उतना ज़्यादा आपको आपका टॉपिक माइंड में रहेगा और उतना ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहला तो है आपका मल्टीपल रिविजन्स करना है। दूसरा है आपको राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करना है गाइस, बिल्कुल भी कोई इग्नोर नहीं करेगा। राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आईसीएसआई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं पर डे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वीकेंड पे जैसे संडे या सैटरडे को आपको 2-3-4 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करना है। तो आपको कोई भी किसी टीचर का या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और वही बेस्ट होती है। मॉड्यूल कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, मॉड्यूल का ज़रूर एक बारी पूरा देख करके जाना है कि क्या कैसे आता है, मॉड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, एक रिव्यू ज़रूर करना बनता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी तो यही है सारी कि रिवीजन जितने ज़्यादा हो सके उतने करने हैं। कोर्स जिसका कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी, वो ट्राई करे लास्ट, मतलब अभी आने वाले 1-1.5 वीक में अपना कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म करके अपना रिवीजन शुरू करें, ओके। सो गाइस, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है वो है हमारी स्लीप साइकिल कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि लास्ट वन मंथ में 3-4 घंटे की स्लीप लेकर के वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नो मैटर, दे आर सम पीपल जो ऐसा कर सकते हैं, बट मैक्सिमम मेरी एडवाइस अगर आप लोगे तो आपको एवरेज 6-7 आवर्स की स्लीप लेनी ही चाहिए। आप जितनी अच्छी स्लीप साइकिल अपनी रखोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उतने अच्छे रिविजन्स होंगे, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो स्लीप साइकिल आपको बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है अपनी। जो लोग रात में पढ़ना चाहते हैं वो रात में पढ़ सकते हैं, वो दिन में लेकिन 6-7 आवर्स की स्लीप ले ही ले। सो ये दो टॉपिक पे बात करने के बाद अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ईटिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बहुत ये तो मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि आई एम अ ग्रेट फूडी और मेरे को बहुत पसंद होता है। मैं लास्ट के वन मंथ में मेरा इतना मन होता था क्योंकि घर पे पढ़ाई होती थी और सारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो सारा दिन लगता था मैं कुछ ना कुछ खाऊं। तो ठीक है आप खाओ, लेकिन आप क्या खा रहे हो उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपको जैसे छोटी मोटी भूख लगती है तो आप पीनट्स वगैरह खा लो या फिर आमंड्स वगैरह खा लो, कैश्यूज वगैरह खा लो, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहना है आपको। दिन में एक फ्रूट आपको ज़रूर खाना है, वो कोई भी फ्रूट हो सकता है। एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उतना ज़्यादा आपको पढ़ाई में मन लगेगा। एग्जाम में भी आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका शांत रहेगा, उतना अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे। बॉटल लेकर के ज़रूर जाना है एग्जाम में, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी अपने खाने की साइकिल नहीं बिगाड़ेगा कि कुछ भी जंक फूड खा रहे हो आप। नहीं, लास्ट वन मंथ के लिए तो छोड़ ही सकते हो आप यार, इतना 9 मंथ का आपने प्रिपरेशन किया है, और अगर लास्ट 1 वीक में आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप समझो पूरा 8 मंथ का पढ़ाई चौपट हो जाएगा। तो वो पढ़ाई को हमें चौपट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से सोना है, एग्जाम यूं पास होगा यार, ये मेरी गारंटी है। अब जो चौथा टॉपिक आता है वो थोड़ा सा सीरियस है। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जिन लोगों के अपने नोनू मोनू शोनू बेबी शोना है,
उनके साथ अगर वो रिलेशनशिप में है तो कैसे हैंडल करें। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बहुत स्ट्रेस होता है, जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो या तो थॉट्स आते हैं माइंड में, या तो कॉल्स आते हैं, या फिर इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो सीधी सी बात यार ये है, आप सामने वाले को अपनी बात एक्सप्रेस करो कि लास्ट 1 मंथ है आपके पास, कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये एग्ज़ाम को क्लियर करना, और इनफैक्ट आप दोनों के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होगा तब आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तब आप साथ में रह पाओगे। साथ तो तभी रह पाओगे ना जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आप कुछ बनोगे। तो इसीलिए आपको सामने वाले को अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, और ऐसे नहीं आपको बिल्कुल भी बात करना नहीं छोड़ना है। आप दिन में एक टाइम स्लॉट अलॉट कर लो कि पूरा दिन में मेरे को इस टाइम पे अपने जो भी पार्टनर है उससे बात करना है। आप आधा घंटा बात करो मैक्स, और बस आपको सामने वाले को समझाना है, उसे अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, और पूरा फोकस अभी अपनी पढ़ाई पे लगाना है। लास्ट 1 मंथ हमारा है अपने लिए। थोड़ा सा सेल्फिश होना इज़ नॉट बैड, पढ़ाई के लिए अगर आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो इट इज़ रियली नॉट बैड। तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, और सामने वाले को भी अपनी बात को बताना है कि आप क्या चाह रहे हो। बस तो आज का टॉपिक यहीं तक था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।